नोचिल को यहाँ पर डाउन कर दिया जाएगा, पुकार यहाँ पर डाउन कर दिए जाएंगे, डेस्ट्रो यहाँ पर अकेले बचेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर गॉडलाइक की टीम शायद एंटर नहीं करने देगी, डेस्ट्रो को हील अप यहाँ पर जरूर कर रहे हैं। ओपन एरिया से आएंगे टीम एच के प्लेयर्स, यहाँ पर ओपन से जा रहे हैं गॉर्डन के प्लेयर्स भी लाइक ऐसे कैसे। गॉडलाइक की तरफ चलते हैं यार, पोचिंकी में ही सब कुछ ठीक होगा लग रहा है। ऑर्डर 39 कौन करेगा हमारी मदद? कराएंगे रैयद, कराएंगे अलादीन। हाँ अलादीन, चलो चलो मूव करते रहो, या फिर कराएंगे हरी हेल्प स्मोकी। हो गया कांड, कांड तो क्या, दो से दो मिनट तो लगते ही हैं, दो से ढाई मिनट तो ये लेता ही लेता है, बट एक मूविंग प्लेयर नहीं मिल रहा मुझे तो यार, कोई पता नहीं कैसे खड़े हुए हैं ये लोग। मार्कोस गेमिंग की तरफ चलते हैं, रोजॉक की तरफ चलते हैं, गॉडल ऑर्डर की तरफ डालेंगे नज़र। पोचिंके से निकल कर थोड़ा सा लेट आज जरूर हो गए, वरना सेंटर में मिलती है टीम हमेशा। स्मोकी आईजीएल करेंगे आज, स्मोकी की आईजीलिंग में गॉडल की टीम कंसिस्टेंसी अपनी बरकरार रखती है, एंड इस मैच में भी हमें करते हुए देखने को जरूर मिलेगी। एमवाईएम की टीम निकली मिल्टा से, चार किल्स इनके खाते में। सारे गॉडल की टीम को मैं बहुत कम बार जोन के कॉर्नर्स होल्ड करते हुए देखने को मुझे मिलती है, बट कहीं ना कहीं ये पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी लग रहा है मुझे, मुझे स्मोकी की ये पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी लग रही है, बिकॉज पहले के जो दोनों मैचेस थे उसमें गॉडल ने सेंटर होल्ड किया था, तो थिंग्स डिडंट गो इन देयर फेवर, एंड आई थिंक नाउ इज द टाइम टू चेंज अ बिट ऑफ द स्ट्रैटेजीज। अपसिक आइजल कौन है? सस्ता ओशन शर्मा, डोंट कंपेयर मी विद ओशन, तो मुझे सस्ता माया भी कह दो, मुझे सस्ता कास्टर कह दो, कोई बात नहीं, बट किसी के साथ कंपेयर मत करो। क्योंकि यहाँ पर अभी के लिए AWMS बॉडी गाना यूज, यहाँ पर स्नाइपर का एक फटका मैं जरूर देखना चाहूंगा स्मोकी का। ओ किंग स्पॉट कर लिया जाएगा, अच्छे एंगल पर AWM का शॉट लग सकता था। शिन चैन यहाँ पर अब पीक देने से डरेंगे जरूर। डाकू यहाँ पर गमला बॉय को कर देंगे डाउन। नाउ इट्स टाइम फॉर रिटेलिएशन फ्यूचर, ये इतना आसान होने वाला है क्या? नहीं, यहाँ पर स्मोकी को एंट्री लेकर जानी पड़ेगी, अब गन पावर में अब कोई कमी नहीं छोड़नी, क्लोज रेंज के अंदर किल्स निकालने पड़ेंगे। ये कंपाउंड का एरिया आ चुका है, अब मैं आपको एक बार एरियल व्यू के चलते ना ये दिखाता हूँ कि नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने बचे हैं। 13 टीम्स 43 प्लेयर्स के साथ ST8 की टीम ऑन अ डिफरेंट कंपाउंड, एक अच्छी बिल्डिंग के अंदर गॉडलाइक की टीम, उसी कंपाउंड की एक अलग बिल्डिंग में वॉकआउट्स की टीम, एंड सिनर्जी इन द राइट कॉर्नर, फ्यूचर स्टेशन इन द वेरी सेंटर। RC रेस को मिल जाएंगे 6 हाउसेस, जहां पर दूरी नेट जाएगा ना, ये है होली का गुब्बारा ना है ये दूध की थैली, जो आपके कहने से कहीं भी जा सकती है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत टफ टाइम के अंदर गॉडलाइक भी मुझे नजर आ रही है। ओपन एरियाज के अंदर जरूर है, अलादीन अंदर जाएंगे नेट कर फिनिश ऑफ करने की कोशिश यहाँ पर मुझे देखने को मिली है ग्लोबल स्पोर्ट्स की टीम से। स्मोक यहाँ पर हर जगह कर रहे हैं, 9 टीम्स यहाँ पर बचेंगी, सामने मिल जाएंगे स्मोक, एंड डार को भी मिल जाएंगे स्मोक करते हुए। बट नोचिल को यहाँ पर डाउन कर दिया जाएगा, पुकार यहाँ पर डाउन कर दिए जाएंगे, डेस्ट्रो यहाँ पर अकेले बचेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर गॉडलाइक की टीम शायद एंटर नहीं करने देगी, डेस्ट्रो को हील अप यहाँ पर जरूर कर रहे हैं। ओपन एरिया से आएंगे टीम एच के प्लेयर्स, यहाँ पर ओपन से जा रहे हैं गॉडलाइक के प्लेयर्स भी लाइक ऐसे कैसे, डाउन कर दिया जाएगा। बट गमला वो यहाँ पर अकेले अपनी टीम के लिए, आई थिंक गॉडल बहुत ही बढ़िया अपने एरियाज को होल्ड करती हुई, सही टाइम पर दे रही है रिवाइवल, सही टाइम पर फाइट्स ले रही है, अच्छे डिसीजन के साथ स्मोकी यहाँ पर अपनी टीम को लीड करते हुए। अभी भी मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके कर दो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अब तरस के भी, एंड मेरे चैनल पर भी स्ट्रीम हो रही है जल्दी से आ जाओ, एंड कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको निको डी एंजेलो, स्पॉट कर दिया जाएगा। स्प्रे के नारू ओपन एरिया में आए थे, लूट करने आए थे, लूट करके चले गए, एंड यहाँ पर अलादीन नॉक कर सकते थे, जो कहीं ना कहीं वो जिगल करते करते लूट कर रहे थे, तो वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी जो मुझे देखने को मिली, एंड बढ़िया परफॉर्म करती है इनसेन की टीम, मजा आता है इनकी फाइट देखने में। नारू आपको आगे जाते हुए देखने को मिल जाएंगे, इनसेन अपनी बना ली जगह टॉप 3 के अंदर, हीलिंग्स यहाँ पर नहीं है, टॉप डॉग विल बी यूजिंग दैट हील बैटल सिनेरियो, विल बी हैविंग 14 ऑफ दोस फर्स्ट एड्स अवेलेबल। प्ले नारू जोन के बाद जरूर नॉकआउट फिनिश ऑफ हो जाएंगे, टॉप 2 के अंदर अपनी जगह बना चुके हैं। कहीं ना कहीं शायद यहाँ पर हील बैटल का उतना ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, बिकॉज 14 फर्स्ट एड जरूर है, बट टॉप 2 में आप अपनी जगह ऑलरेडी बना ही चुके हैं, अब टॉप 2 से आगे क्या ही होगा, या तो चिकन या टॉप 2। अब चिकन तो आने सर, बिकॉज एक तो आप जोन के बाहर, ऊपर से सामने गॉडल, वो भी 3 प्लेयर्स के साथ, ऊपर से 10 किल्स उनके पास है, खतरनाक वो फॉर्म में है, मौली आप कर रहे हैं, फायदा उसका है नहीं, बेटर यू डाई अपना सुसाइडल यहाँ पर कर सकते हैं बिल्कुल, बट लेकिन तो आप आ ही चुके तो हील बैटल क्यों करना, मुझे इस बात का आज तक अभी एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। मैं अगर हील बैटल कर रहा हूँ तो मुझे पता है टॉप 2 में आ ही चुका हूँ, या तो मैं गन पावर करता, अटैक करता, बट इस चीज़ का सिनेरियो तो नामुमकिन है ना कि डेथ जोन आ जाए और वो सारे प्लेयर्स खड़े रहे और आप हील बैटल करते हुए जीत जाओ, इतनी फर्स्ट एड्स नहीं है, यहाँ से कम 40 फर्स्ट एड्स होती तो मैं ये चीज़ शायद मानता भी, और फिर ये जो छुपन छुपाई खेलने की कोशिश कर रहे हैं आप, ये शायद आपके फेवर में जा सकती थी, बट इनसेन की टीम की स्ट्रैटेजीज अच्छी रहती हैं, टॉप 2 के अंदर अपनी जगह बना ली, एक डिफिकल्ट सिनेरियो को डील करते हुए यहाँ तक पहुँचे, वो ज़्यादा बड़ी बात रहती है, आपको अपने पॉइंट्स लेने आने चाहिए, अपने पॉइंट्स आप लेकर जा रहे हैं, एंड कितनी आसानी से यहाँ पर गॉडल की टीम का मैं एंगल दिखाना चाहूँगा, बट उससे पहले एक बार स्मोकी के किल्स, द
जबरदस्त स्किल्स अपनी टीम के लिए लेकर आए। जैसा मैंने मैच के बीच में भी कहा था, गॉडलाइक की टीम हमेशा सेंटर होल्ड करती है, सब जानते हैं। इस मैच में कॉर्नर्स होल्ड करे थे और मैंने ये चीज बोली थी कि स्मोकी के स्ट्रेटजीज में मुझे थोड़े से चेंजेस जरूर दिखे, एंड वो चेंजेस डिड वर्क राइट। तो अच्छे मैचेस यहाँ पर हमको देखने को मिले। उम्मीद करता हूँ कि तीनों ही मैचेस आपको अच्छे जरूर लगे होंगे। टर्मिनेटर कप का ये था आज का पहला दिन, एंड बड़े जबरदस्त ये मैचेस रहे। तीनों ही मैचेस मुझे बहुत पसंद आए कास्ट करने में, मुझे मजा आता है। अच्छे मैचेस कास्ट करने का मजा ही अलग है, एंड उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छे मैचेस दिखाने में मैं सफल जरूर रहा। गेमर एक्स माय विद दिस साइड, नाम यार जरूर रखना याद, करीबी मामला बन चुका है मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स में भी, बिकॉज काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं 5000 फॉलोअर्स के। नहीं किया सपोर्ट, नहीं किया लाइक, नहीं किया सब्सक्राइब तो बहुत गलत बात है, कर दो, अप्रिशिएट द एफर्ट्स डन। इंस्टा पे भी फॉलो करो अवतरश को भी, मुझे भी, एंड कहीं ना कहीं इस मैच के रिजल्ट्स की बात करें तो गॉडल की टीम लेकर जाएगी बेहतरीन द स्किल्स का विना विना छे कंटेनर विद देम, इनसेन इन टॉप टू, विल बी हैविंग 13 किल्स। तो पॉइंट्स कहीं ना कहीं बराबर भी हो सकते हैं। एसटीएफ की टीम यहां पर 7 किल्स के साथ, वॉकआउट्स की टीम मिल जाएगी यहां पर 8 किल्स के साथ।